हुक्मरान कौन थे? अंग्रेज, उस दौर की बात कर रहा हूं। इसलिए कि उन्होंने हमें मजहबी आजादी दी है, नमाज पढ़ने की आजादी है, रोजा रखने की आजादी है, हज करने की आजादी है कि नहीं, शादी ब्याह की आजादी है, आईनी कवानी की आजादी है, क्योंकि इन्होंने हमें आजादी दे रखी है, लिहाजा उनकी के लिए तश्वीश का मुझे भी बनना चाहिए। इस पर जो फितरा चुस्त किया शेर इकबाल ने, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। इस्लाम का आजाद है? इस्लाम तो पाबे जंजीर है। कहां इस्लाम के अहकाम? कहां है उसका सियासी निजाम? कहां है उसका माशी निजाम? कहां? तो मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। अब ये बात इकबाल ही कह सकता हूं। इस हवाले से समझ लीजिए कि पहला शख्स जिसने कम से कम ये फिक्र किया है, इससे आगे वो मर्द मैदान नहीं था, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वो पहली तहरीक के अंदर, कौमी तहरीक के अंदर, और वो जो खुतबा है अलाहाबाद का, जिसके अंदर के वो सारा जो है कौमियत का तसव्वुर दिया गया है, और उसके नतीजे में जो है फिर तहरीक पाकिस्तान आई, तो वो फर्स्ट जो मैंने आपको बयान किया कि ये तीन शोबे अलग है, एक शोबा कौमी और सियासी है, आजादी का हुकूक वो तहरीक पाकिस्तान थी, उसमें उनका रोल बहुत है, बहुत अहम है, फैसला कुल है, मुशव्विर पाकिस्तान, बल्कि मुबश्शिर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान तो इकबाल ही है। इसी तरह इस तीसरे खाते के अंदर भी अहम तरीन मकाम उसका कि उसने कम से कम ये वादे किया कि इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं, दीन है। अब इस पर पहली तहरीक जो अमल उठी है वो अबुल कलाम आजाद की थी। वो हमारे यहां बहुत कंट्रोवर्शियल शख्सियत है, क्योंकि वो कांग्रेस में रहे और मुस्लिम लीग के खिलाफ रहा, या आम मुसलमान जो है खासतौर पर जो भी प्रो पाकिस्तान थे या आज भी हैं, वो उनसे नफरत करते हैं। लेकिन उनका भी एक दौर समझ लीजिए, 1912 से 1920 तक वो इकामत दीन की जिंदोजहद का दौर था खालिस। जब उन्होंने अल हिलाल निकाला है हफ रोजा, और अल बलाग के बाद में निकाला, जब अंग्रेजों ने अल हिलाल को बंद कर दिया, 1913 में हिजबुल्लाह कायम की, अल्लाह की जमात हिजबुल्लाह, और उसका मकसद क्या था? हुकूमत इलाहिया का क्याम। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी प्रैक्टिकली। लेकिन उस वक्त तक जो हमारे ट्रेडिशनल उलमा है उनका होल्ड इतना मजबूत था मुसलमानों पर कि उन्हें महसूस हुआ कि ये बात चलने वाली नहीं है। 1920 में, ये भी एक लंबी तारीख है इसकी, जिसको अल्लाह ताला ने एक खास सबब बनाकर मेरे जरिए से उस तारीख को जो गुमशुदा बाब था उसका, उसको निकाल कर और पब्लिक में ले आई। वो मेरी एक जब किताब है, वो आजकल आउट ऑफ प्रिंट है, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और तंजीम इस्लामी, जमात शेखुल हिंद और तंजीम इस्लामी। बारह इन्होंने ये कोशिश की, लेकिन ये फिर मायूस होकर 1920 में उन्होंने उसका बिस्तर गोल किया और फिर कांग्रेस में चले गए। एक फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर आजादी तो अंग्रेज से हाथ में कर लिया ना, उसके अंदर तीसरी शख्सियत इसमें आई फिर मैदान में, मौलाना अबुल आला मौदूदी की। उन्होंने जहां काम छोड़ा था अबुल कलाम ने वहां से शुरू किया, चुनाचे उन्होंने जमात इस्लामी कायम की, तो उसका नज़्मुल ऐन क्या था? हुकूमत इलाहिया का क़याम। और उसके लिए उन्होंने, वाकया यह है कि बहुत काम किया, बहुत जमकर काम किया, उलमा की मुखालफत के बावजूद काम किया, मेहनत का मादा उनमें बहुत था, इस्तकामत, लगे रहना, डटे रहना, ये सारा काम उन्होंने किया। और एक बहुत उम्दा उनकी उस जमाने की तहरीर है, वो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा। उस वक्त 1940 में जब उन्होंने लेक्चर दिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्ट्रेची हॉल में, इस्लामी हुकूमत कैसे कायम होती है, उनका मौकिफ क्या था कि ये कौमी तहरीक मुस्लिम लीग जो है ये अगर कामयाब हो गई तो इससे कौमी एक रियासत तो कायम हो जाएगी, इस्लामी नहीं हो सकती। और वो सही सी बात, सही साबित हो गया, पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन क्या इस्लामी रियासत बन गई? नहीं, एक कौमी रियासत है, और बेशुमार कौमी रियासतों की तरह की कौमी रियासत है, इस्लामी तो नहीं। ये मौकफ था मौलाना मौदूदी का, जिस पर उन्होंने मुस्लिम लीग से अपना रास्ता अलहदा किया, वरना उससे पहले फिक्री तौर पर वो मुस्लिम लीग के साथ थे। ये भी एक हमारी तारीफ, हमारी तारीफ से कहाँ वाकिफ हुए आप लोग, आप लोगों को दिलचस्पी नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज का इंसान जो है वो तो हाल में इतना मस्त है, उसे फिक्र ही नहीं है, ना माजी की कोई खबर है और ना मुस्तकबिल की कोई फिक्र है, सोच ही नहीं, किधर जा रहे हैं, कहां से चल रहे थे, किन मरहलों से गुजरे हैं, क्या क्या हो चुका है हमारे पीछे, हमारी तारीफ क्या, उससे कोई दिलचस्पी है ही नहीं। वो तो अपना आज का मामला है, नौजवान है तो उसके सामने है, ये कैरियर है, ये है प्रोफेशन है, ये पढ़ना है, MBA करना है, फलां करना, बाकी क्या इससे गलत है, हमारा माजी क्या था, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दन था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, कभी ये भी मालूम नहीं, किसको पता है कि एक मरतबा मुसलमानों ने यूरोप की जमीन को रौंदा है,
उसके जनूब मगरिब से शाम दाखिल हुए जिब्राल्टर से और हार्ट ऑफ फ्रांस तक जा पहुंचे थे, और दूसरी मरतबा तुर्क दाखिल हुए हैं जनूब मशरिक से कुस्तुनतुनिया से, और वो भी फिर हार्ट ऑफ यूरोप तक वियना तक पहुंच गए। क्या पता किसको याद किसको बन, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दन था तू जिसका टूटा हुआ तारा। बहरहाल ये जो तीसरी शख्सियत थी मौलाना मौदूदी की जिन जमात इस्लामी कायम की, लेकिन अफसोस सद अफसोस इन्होंने आगे बढ़ाया न तरकबुल में तबक में तबक, एक पहली स्टेज इकबाल की, दूसरी स्टेज अबुल कलाम की, तीसरा कदम अबुल आला का। लेकिन ये कि पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें एक शराब सा नजर आया, जैसे उसको मैं कहता हूँ शराब था, जैसे प्यासे आदमी को सेहरा के अंदर पानी नजर आता है पानी नहीं होता, वो उसी पानी समझ कर दौड़ता जाता है भागता है। उन्हें शराब नजर आया कि जैसे इस्लाम के नारे पर पाकिस्तान बन गया, इस्लाम के नारे पर हम यहाँ हुकूमत भी जा सकते हैं, तो आओ ना इलेक्शन में हम इस्लाम का नारा लगाकर आते हैं, तो यहाँ पर अगर हुकूमत हमारी बन जाए तो फिर हम लोगों के जहन भी बदल लेंगे, निज़ाम तालीम भी हमारे हाथ में होगा, ज़राए इब्लाग सारे हमारे हाथ में होंगे, तो हम फिर बदल लेंगे। पहले ये कहा था पहले ये तब्दीली लाओगे तब फिर इस्लाम आएगा, लेकिन फिर क्या कहा कि पहले हुकूमत अगर मिल जाए तो फिर यह है कि हम उसके बाद उन तमाम ज़राए वसाइल को बरूए कार ला कर वो तब्दीलियाँ कर लेंगे। ये है तीसरी जो शख्सियत थी उसकी मेरे नज़दीक मानवी मौत जो वाकई हो गई, जबकि उन्होंने इलेक्शन पॉलिटिक्स के अंदर दाखिल होकर और अपने आप को एक कौमी सियासी जमात बना दी। वो एक उसूली इस्लामी इनकलाबी इकामत दीन की जिद्दोजहद वाली जमात नहीं रही, वो है जिसके चौथे सतह पर तंजीम इस्लामी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये सिलसिला तो ज़हब है, ये एक सुनहरी जंजीर है। यानी मैंने कहा कि एक है कौमी और सियासी तहरीकें आज़ादी की, एक है उलमा की तहरीकें, और उलमा की तहरीकों के एतबार से भी बर अजीम पाक हिंद बहुत अहमियत रखता है, इसलिए कि आपको मालूम है कि ये जो तबलीगी जमात की तहरीक है ये उलमा की तहरीक का एक एक्टिव रोल जो है, उलमा का तसव्वुर दीन मजहब का, और उसको लेकर उन्होंने बड़ी जबरदस्त तहरीक की शक्ल दे दी। आज जितनी बड़ी हरकत दुनिया में तबलीगी जमात के नाम से जारी है दुनिया की तारीख में शायद इतनी कभी हुई कभी भी नहीं। यहां तक के वैसे तो ये कि ईसाई मिशनरीज जो है उनका बड़ा निजाम था, उनके पीछे हुकूमतें थी, हुकूमतों के पीछे उनके बजट होते थे, लेकिन ये जो तहरीक चली, लेकिन ये भी तस्वुर दीन नहीं है, मजहब का तस्वुर है, मजहब के लिए काम कर रहा है। तो ये जो दीन के लिए काम करने वाला ये एक सिलसिला तो ज़हब इकबाल अबुल कलाम अबुल आला और फिर तंजीम इस्लामी, इसको अब आप समझें कि ये है दर हकीकत वो पस मंजर, ये एक इहयाई अमल जारी हो गया है। इसके लिए जैसा कि मैंने हवाला दिया आज खासतौर पर मैंने कहा हमारे पास महदूद तादाद में ये तंजीम इस्लामी का तारीखी पस मंजर के नाम से किताब चाहे उसमें पहले वो भी है, इसलिए कि जाहिर बात है कि साबिका उम्मत मुस्लिमा भी इस्लाम की तारीख है ना, वो इस्लाम ही था, जब तक कि हजरत ईसा नहीं आए तो यहूदी ही थे मुसलमान, फिर हजरत ईसा के मानने वाले मुसलमान वो, फिर मोहम्मद के मानने वाले मुसलमान, तो ये इस्लाम की तारीख तो वहां से चल रही है। तो उस सब का मैंने जो अदवार है और जो सवाल के उसमें बयान किया तो मुख्तसर करीब 48 पेजेस टोटल, लेकिन उसमें जो आपको खजाना मिलेगा वो जैसा कि मैंने कहा एक दो दफा पढ़ने की चीज नहीं है, उसे बार बार पढ़िए और उसका एक खाका अपने जेब में बनाइए। ये हमारा माजी था, यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, हमारे सामने मंजिल क्या है उस पर इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे में बात होगी। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह।